हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके चैनल टेक्निकल शुभम पांडे में। आज मैं बात करने वाला हूँ जो व्हाट्सएप में एक नया फीचर लॉन्च हुआ है, जिससे कि हम अगर किसी फ्रेंड को गलती से मैसेज सेंड कर देते हैं, उसे हम बड़ी आसानी से डिलीट कर सकते हैं और वो मैसेज हमारा जो फ्रेंड है वो नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्जन है ये नया वर्जन आया है, तो इसलिए आपको व्हाट्सएप अपना अपडेट करना पड़ेगा। और जो भी आपके फ्रेंड हैं तो वो भी जब अपडेट करेंगे अपना व्हाट्सएप, तभी आप मैसेज अपना डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने व्हाट्सएप अपना अपडेट किया हुआ है, तो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मैसेज, ये देखिए मैंने मैसेज यहाँ पर, कई मैसेज सारे यहाँ पर किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, कुछ भी मैं टाइप कर देता हूँ A to Z, क्योंकि हमें मैसेज डिलीट करना है। और दोस्तों, जो ये मैसेज मैंने सेंड किया है, इसे मैं सिर्फ 7 मिनट के अंदर ही डिलीट कर सकता हूँ, जब तक इसमें वो ब्लू टिक नहीं लग जाता दोस्तों। तो हमारा व्हाट्सएप अपडेट है, इसलिए मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ, और इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आता है, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, जो पहले डिलीट का ऑप्शन आता था वहाँ पर ये सिर्फ डिलीट हो जाता था डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिलीट फॉर मी, तो डिलीट फॉर मी पर अगर मैं क्लिक करूँ तो सिर्फ ये हमारे ही मैसेज डिलीट होंगे, बाकी जो हमारा फ्रेंड है उसके मोबाइल में ये मैसेज डिलीट नहीं होगा। अगर हमें उसके मोबाइल से डिलीट करना है तो हमें यहाँ पर लिखना, देख ही सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट फॉर एवरीओन। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और उस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये डिलीट मैसेज हो गया है, यू डिलीटेड दिस मैसेज, तो इस तरह का लिख कर कुछ आ जाता है। दोस्तों, आप इसी तरह से अपने जो गलती से भेजे गए मैसेज डिलीट कर सकते हैं। किसी के पास भी मैसेज जा सकता है, गलती से हो जाता है, कई बार ऐसा होता है सभी के साथ, तो आप इसी तरह से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर यही जानकारी आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।